कारगिल विजय दिवस जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला पंचायत परिसर में मुख्य अतिथि कारगिल शहीद नायक कृपाल सिंह की धर्मपत्नी विमला देवी, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना समेत जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने कारगिल शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पुलिस और एनसीसी जवानों ने शहीदों को सलामी दी। ब्लॉक स्तरों पर भी शौर्य दिवस पर पौधारोपण सहित विविध कार्यक्रम आयोजित किया गया। कारगिल युद्ध में देश के 527 जाबाजों ने अपने सर्वोच्च बलिदान दिए थे, जिसमें उत्तराखंड सरकार राज्य के 75 और चमोली जनपद के 11 जवान शामिल थे। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। आज 26 जुलाई कारगिल विजय शौर्य दिवस के अवसर पर जो हमारे जनपद की वीर नारियां हैं, हमारे जो एक्स सर्विस में उनके परिवारगण हैं और जो हमारे 11 ऐसे शूरवीर थे चमोली जनपद के जिन्होंने जो वीरगति को प्राप्त हुई, उस अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठे थे और उनके जो सभी हमारे ऐसे परिवार हैं जिनके जो परिवारजन इस कारगिल में सम्मिलित हुए थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनको सम्मानित भी किया है और इस पावन अवसर पर उन जो हमारे शूरवीर थे, हमारे योद्धा थे, उनको याद भी किया। तो मैं आप लोगों का चरणों में आभारी हूँ जो इस हमारे कारगिल दिया जो उसके तहत आप लोग हमसे कोई बात वार्ता करने आए हैं। सबसे पहले तो मैं समझिए शांता राणा सही सैनिक के पत्नी हूँ और यहाँ पर विजय दिवस मनाया जाता है, लेकिन साल में जब विजय दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में हम वीर नारी को यहाँ पर बुलाया जाता है और सम्मान किया जाता है।